मधेपुरा में ऐप के जरिए 4 से 5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। दातादानी ऐप के जरिए हजारों लोगों को पैसा दोगुना करने का लालच देकर चूना लगाया गया है। यह ठगी मधेपुरा में खूनी रूप ले इससे पहले पुलिस ने तत्परता दिखाई है। क्या है मामला, देखें इस खास रिपोर्ट में। आज के डिजिटल युग में ठगी भी डिजिटल हो गई है। मधेपुरा और उसके आसपास के इलाके से एक ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। इस बारे में ठगी के शिकार लोग भी मुंह नहीं खोल रहे हैं, लेकिन ठगी का खुलासा ठग गिरोह के कथित सदस्य के अपहरण से हो गया है। बताया जाता है कि दानीदाता नामक ऐप के माध्यम से सिर्फ मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के आसपास के इलाके से 4 से 5 करोड़ की ठगी हुई है। यह ऐप बीते 3 जून को अचानक काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद 4 जून को शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच मधेपुरा नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 से 2 युवक अमन राज और उसके भाई अभिषेक का उसी के 4 चक्का ऑल्टो सहित अपहरण कर लिया गया। अपहरण का आरोप मुरलीगंज थाना अंतर्गत रामपुर निवासी रमेश यादव और उसके भतीजा विकास कुमार सहित 2 अज्ञात व्यक्तियों पर लगा। इस मामले में मधेपुरा सदर थाना में एक केस दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस के दबाव में दोनों भाइयों को लोगों ने 86,000 रुपया खाता में लेने के बाद मुरलीगंज थाना के पास छोड़ दिया। इस दौरान अपहृत युवक से लोग 10 लाख रुपये की डिमांड कर रहे थे। जब पुलिस मामले की जांच में जुटी तो यह मामला बड़ा साइबर क्राइम का निकला। मधेपुरा सदर के SDPO की माने तो यह 4 से 5 करोड़ के ठगी का मामला है। बताया जाता है कि अमन राज दानीदाता ऐप का VIP मेंबर था। उसके जैसे देश भर में 3200 से करीब सदस्य थे। अमन के चयन में 500 से अधिक लोग जुड़े थे, जिनके जमा पैसे पर अमन को 10% तक का कमीशन बन रहा था। जब 3 जून को यह ऐप बंद हुआ तो लोग अमन की तलाश में जुट गए। जो लोग मिलकर अमन को उठाए थे उनका 15 लाख से अधिक रुपया इस ऐप में लगा था। अमन की माने तो इस ऐप के माध्यम से देश भर के लोगों का 800 से 900 करोड़ रुपया लगा था। वह YouTube के प्रचार के माध्यम से इस ऐप को लोड किया था। ऐप के बारे में बताया जाता है कि लोग ऐप के विभिन्न फुटबॉल टीम पर पैसा लगाते थे, जो टीम जीतती थी और लोगों को पैसा मिलता था। यह पैसा 1 लाख रुपया लगाने पर एक दिन में 2200 से 9000 तक का लाभ देता था। यह सारा ट्रांजेक्शन UPI, फोन पे अथवा गूगल पे के माध्यम से होता था। पैसा लगाने के लिए हर बार नया UPI एड्रेस दिया जाता था। इस ऐप के शिकार अधिकांश युवा हुए हैं, जो पुलिस और मीडिया में कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। सदर SDPO अजय नारायण यादव ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मामले के अनुसंधान में आर्थिक अपराध शाखा और साइबर सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है। वहीं लोग इसे 8 से 10 करोड़ की ठगी बता रहे हैं। कोसी के हजारों लोगों का रुपया तरह तरह का प्रलोभन देकर जो है ठगी कर लिया गया है। यहाँ के बेरोजगार युवक इनके झलस में आकर अपना जो भी चीज है, गाड़ी घोड़ा जो भी है, गिरवी रखा कर इनको सब पैसा जो है सुपुर्द कर दिया है। इनको तरह तरह का प्रलोभन दिया, किस कितना आदमी को जो है कागज़ बना दिया है 1000 रुपये का स्टाम्प पर, यदि आपका पैसा जो है बुरेगा या लॉस होगा उसका देनदारी हम बनेंगे। और हर बात को जो है यह अपना बात रखने का इसको कला है। इनका जो है लिंक सीधा जो है चाइना से बना हुआ है। मधेपुरा में ये लगभग 8-10 करोड़ का मामला है और इसमें हमारे भी परिवार से कुछ पीड़ित लोग हैं। नाम नहीं बताता, अंदर से कुहर रहा है, दर्द हो रहा है। और इसमें खास करके जो नौजवान वर्ग के लोग थे वो पैसा लगाते थे। उनको कहा जाता था कि ये रुपया आपका दुगुना हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये फ्रॉड कंपनी थी और वो लोग भाग गया। अब लोग दर्द से किसी को बता नहीं रहा, अंदर से घुट रहा है। और हमको लगता है कि अगर इसका सही से जाँच नहीं हो और पैसा लोगों को नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से कई लोग इसमें सुसाइड कर लेंगे। ये साइबर फ्रॉड का मामला है और वस्तुतः ये ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल है। इसमें फुटबॉल टीम के ऊपर लोग सट्टेबाजी का काम करते थे। एक दानी ऐप है, दानी ऐप के माध्यम से, और इसके जो यहाँ कोऑर्डिनेटर थे वो इसका यहाँ प्रचार प्रसार करते थे। और जो भी लोग पैसा इसमें इन्वेस्ट करते थे तो उसके माध्यम से उस पैसे के अनुसार उनको लाभांश दिया जाता था। 10% तक मैक्सिमम इसमें लाभांश दिया जाता था, क्योंकि लोगों को लगा कि इसमें अविलंब पैसे की बढ़ोतरी होती है। तो काफ़ी लोग इस झांसे में आ गए और इसके जो कर्ता धर्ता हैं तो वो कई ग्रुप्स में,
जैसे अभी तक हमें जानकारी मिल रही है कि मधेपुरा में भी इस तरह के 4-5 ग्रुप सक्रिय हैं, जिसमें एक ग्रुप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके विरुद्ध FIR की कार्रवाई हुई है और अभी हम लोग उसमें अनुसंधान कर रहे हैं। और जो इनके द्वारा जानकारी दी गई है पूछताछ के क्रम में कि क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों का पैसा लगा हुआ था, अचानक से ये ऐप जो है 3 जून को बंद हो जाता है और जो भी लोगों का पैसा इसमें लगा था उसका कोई अता पता नहीं है। तो हम इसमें साइबर सेल की भी मदद लेंगे और जो भी इसमें तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी हम लेंगे और इस पूरे मामले का हम लोग सही ढंग से अनुसंधान करके जो भी फलाफल है उसके हिसाब से कार्रवाई करें। देखिए अभी हम अनुमान के अनुसार ही बता सकते हैं क्योंकि जो इनसे पूछताछ हुई है तो इनका कहना है कि इसमें पूरे भारत के लोग जुड़े हुए हैं और उनकी भी एक सूची थी इस ऐप में, जो कि ऐप अभी बंद है। हम लोग अपने तकनीकी सेल की सहायता से इसे पता करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि लगभग मधेपुरा में 3,000 से 4,000 लोग इस सट्टेबाजी में जुड़े थे और बता तो रहे हैं कि ये 4 से 5 करोड़ रुपये की इसमें ठगी हुई है ना। और सभी जगह सभी क्षेत्र में जो है, मधेपुरा में भी कई क्षेत्र हैं जहाँ की इसके अलग अलग कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे और ये एक चेन सिस्टम से काम करता था। और जो अभी प्राथमिक रूप से सूचना मिल रही है प्रथम दृष्टिया, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों का पैसा इसमें डूबा है। हम लोग इसकी तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं।